थंबनेल को देखकर जान ही गया होगी कि आज का सुपर शोडाउन किन किन मॉन्स्टर के बीच है, और मैं जितने भी मॉन्स्टर के बीच शोडाउन करने जा रहा हूँ ये बहुत ही बड़े और खुखार है। तो पहला हम शोडाउन करेंगे वह होगा मॉन्स्टर वर्स के कॉन्ग के बीच और 1967 के रोबो कॉन्ग के बीच। वहीं दूसरा शोडाउन होगा मॉन्स्टर वर्स के मेल म्यूटो और अल्फा स्कॉल कलर के बीच। फिर तीसरा शोडाउन होगा 2005 के किंग कॉन्ग मूवी के वी रेक्स और रैम्पेज मूवी के रॉल्फ के बीच। इनमें से कौन कौन सा मॉन्स्टर शक्तिशाली है जानेंगे इस एपिसोड में, तो बिना किस देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले जानेंगे मॉन्स्टर वर्स के कॉन्ग और मैकेनी कॉन्ग में कौन ज्यादा शक्तिशाली है। तो मैकेनी कॉन्ग दिखा था 1967 की मूवी किंग कॉन्ग एस्केप में। मैकेनी कॉन्ग को बनाया जाता है डॉक्टर हु द्वारा एलिमेंट एक्स का इस्तेमाल करके। अगर बात करते हैं इसके पावर्स और एबिलिटीज की, तो इसका फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, जो सॉलिड आइस में गड्ढा खोद सकता है, हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकता है, सिर पर चलकर बिल्डिंग और बड़े बड़े स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर सकता है और अपने एक पंच से किंग कॉन्ग को दूर फेंक सकता है। मैकेनी कॉन्ग अपने हेड के लाइट से हिप्नोटिक लाइट यानी कि सम्मोहित रोशनी छोड़ सकता है, जिसके संपर्क में आने के बाद किंग कॉन्ग कुछ नहीं कर पा रहा था। मैकेनी कॉन्ग के बॉडी में बेल्ट लगा होता है जिस पर बहुत से ग्रेनेड्स लगे होते हैं, जिसे वह अपने दुश्मन के ऊपर फेंक कर चोट पहुंचा सकता है। इसके अलावा मैकेनी कॉन्ग अपने आंखों से पावरफुल हाई लेजर लाइट छोड़ सकता है, जिससे वह अपने अपोनेंट को कुछ समय के लिए अंधा कर सकता है। अगर बात करते हैं कॉन्ग की, तो कॉन्ग एक बहुत बड़ा एप है जिसका हाइट 356 फीट है। कॉन्ग ने कई मॉन्स्टर को मारा है, उसने स्कल आइलैंड में जाइंट ऑक्टोपस को मारा था, अल्फा स्कॉल कॉलर की जीभ उखाड़ उसे मार दिया था, हालो अर्थ में दो वारबैट को मौत के घाट उतार दिया था, और उसने मॉन्स्टर वर्ल्ड के शक्तिशाली टाइटन गॉडजिला को कड़ी टक्कर दी थी। वहीं कॉन्ग फास्ट और फुर्तीला है, जो हेलीकॉप्टर को पकड़ सकता है और गॉडजिला के एटॉमिक ब्लास्ट से बच सकता है। कॉन्ग एक इंटेलिजेंस ऐप में आता है जो इंसानों से साइन लैंग्वेज में बात कर सकता है और अपने आसपास की चीज़ों को हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ जो कॉन्ग के पास है वह है उसका एक्स, जिसकी मदद से उसने गॉडजिला को घायल कर दिया था और इससे उसने मेका गॉडजिला के पुर्जे अलग कर दिए थे। तब इन दोनों मॉन्स्टर में कौन ज़्यादा शक्तिशाली है? मेका कॉन्ग के पास अनोखे एबिलिटीज है, लेकिन वही कॉन्ग ने कई मॉन्स्टर को मारा है। मेका कॉन्ग के पास इतने अच्छे एबिलिटीज होने के बाद भी वह किंग कॉन्ग को नहीं हरा पाया। वही कॉन्ग के पास कोई सभी स्पेशल एबिलिटीज नहीं है, फिर भी उसने कई मॉन्स्टर को मारा है। अगर हम इनके साइज का तुलना करते हैं तो मेका कॉन्ग सिर्फ 65 फीट बड़ा है, वही कॉन्ग 356 फीट बड़ा है, यानी कि मेका कॉन्ग कॉन्ग के सामने बौने है, जिसे सिर्फ अपने पैरों से कुचलकर मार सकता है, और उसका एबिलिटीज जैसे कि हिप्नोटिक लाइट और हाई लेजर भी काम नहीं आएंगे, क्योंकि कॉन्ग का हाइट बहुत बड़ा है, इसलिए मेका कॉन्ग का यह टेक्नोलॉजी का फ्रिक्वेंसी लो होगा। दूसरा कि मेका कॉन्ग किंग कॉन्ग को हरा नहीं पाया जो उसके जितना बड़ा था, तो वह इतने बड़े कॉन्ग को कहां हरा पाएगा। और मेका कॉन्ग की ड्यूरेबिलिटी भी बहुत कम है, जो टावर से गिरने पर उसके पुर्जे अलग हो गए थे, यानी कि कॉन्ग उसे सिर्फ उठाकर गिरा देगा तो उसके पुर्जे अलग हो जाएंगे, और कॉन्ग अपने एक्स के एक वार से उसके पुर्जे को तोड़ सकता है और अपने पंच से उसे मसल सकता है। अब जानते हैं मेल म्यूटो और स्कल क्लार में कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। अगर हम मेल म्यूटो की बात करते हैं तो मेल म्यूटो बहुत स्ट्रांग है, जो बिल्डिंग और टावर को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है और मिलिट्री के फाइटर जेट्स और कार को तोड़ सकता है। मेल म्यूटो इतना स्ट्रांग है कि उसने गॉडजिला को बिना किसी डिफिकल्टीज के डिस्ट्रैक्ट कर दिया था, और फीमेल म्यूटो के साथ मिलकर गॉडजिला जैसे काइजू पर भारी पड़ रहा था। मेल म्यूटो एक ऐसा काइजू है जिसके पास ड्रैगन जैसे पंख है, जिसकी मदद से वह बहुत तेज उड़ सकता है, और अपने उड़ने की एबिलिटी से उसने कई फाइटर जेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और मेल म्यूटो ड्यूरेबल भी है, जिसे फायर से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, यहाँ तक कि म्यूटो ने अपने फेस पर कई मिसाइल को झेला तब भी उसे कुछ नहीं हुआ था। इसके अलावा मेल म्यूटो अपने क्लॉ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स छोड़ सकता है, जिसकी मदद से 5 माइल दूर तक के इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर सकता है। अब बात करते हैं स्कल कलर की, तो स्कल का छिपकली जैसा दिखने वाला जीव है,
जिसके दो पैर होते हैं, जो जमीन के अंदर रहता है और अपने भूख मिटाने के लिए बाहर आकर शिकार करता है। स्कल क्रॉलर स्कल आइलैंड में रहने वाला सबसे खतरनाक प्रजाति है, जिसका स्नैक जैसा पूछ होता है और बहुत ही लंबा जीभ होता है। इस कार का बहुत ही बड़ा पूछ है, जिसकी मदद से वह किसी भी जीव को पकड़ कर दूर फेंक सकता है। कॉन्ग का बहुत बड़ा साइज होने पर भी उसे दूर फेंक दिया था। इस कार का जीभ लंबा है, जो दूसरे जीव को पकड़ कर तुरंत निकल सकता है। इस कार के जबड़े बहुत ही बड़े होते हैं और रेजर शार्प टीक होता है, जिस वह किसी भी जीव को काट कर तुरंत खा सकता है। स्कल क्रॉलर का बॉडी ड्यूरेबल भी है, जिसे गन फायर से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। उसका शरीर जमीन के अंदर रहने के लिए बना है, जो ज़्यादा टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर सकता है। स्कल क्रॉलर का साइज जितना बड़ा है, उतना ही फास्ट और फुर्तीला है, जो कॉन्ग पर भारी पड़ रहा था। इसके अलावा स्कल क्रॉलर की एक बात जो उसे दूसरे मॉन्स्टर से अलग बनाती है, वह इंटेलिजेंस। जब एक सोल्जर सुसाइड मिशन के दौरान ग्रेनेड से मारने चाहता था, तब स्कल क्रॉलर ने उसे पूछ से मार दूर फेंक दिया था। मेल म्यूटो और स्कल क्रॉलर दोनों ही मॉन्स्टरवर्स के इविल मॉन्स्टर हैं, जिन्होंने शक्तिशाली काइजू से फाइट की है। स्कल क्रॉलर ने कॉन्ग से फाइट की है और मेल म्यूटो ने गॉडजिला से फाइट की है। अगर हम इनके साइज को देखते हैं तो स्कल क्रॉलर 95 फीट बड़ा है और 194 फीट लंबा है। वहीं मेल म्यूटो 200 फीट बड़ा है और उसका विंग स्पेन 400 फीट है। यानी कि मेल म्यूटो के पास साइज का एडवांटेज है, जो स्कल क्रॉलर से दोगुना है। साथ ही साथ वह उड़ भी सकता है, तो वह स्कल क्रॉलर के कई हमले से बच भी सकता है। लेकिन स्कल क्रॉलर की ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि कॉन्ग द्वारा कई बार पेड़ों से मारने, बोट पेपर से मारने पर कुछ नहीं हुआ था, जबकि मेल म्यूटो को गॉडजिला द्वारा एक बार बिल्डिंग से टकराने पर मारा गया था। यानी कि स्कल क्रॉलर की ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन मेल म्यूटो ने गॉडजिला को घायल किया था, जो स्कल क्रॉलर के अपोनेंट से ज़्यादा शक्तिशाली है। तो यहाँ पर स्कल क्रॉलर की ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होने पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेल म्यूटो उड़ सकता है और उसका साइज भी बड़ा है। उसने गॉडजिला को घायल किया है, तो वह अपने हुक जैसे पंजों से स्कल क्रॉलर को घायल कर सकता है और उसे पूरी तरह डैमेज कर मार भी सकता है। तो मेरे ओपिनियन से इन दोनों में विनर मेल म्यूटो होगा। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब जानते हैं वीरेक्स और राल्फ में कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। अगर बात करते हैं वीरेक्स की, तो वीरेक्स एक खूंखार प्रजाति है, जो अपने भूख के लिए किसी भी जीव का शिकार करते हैं। वीरेक्स टीरेक्स की तरह होते हैं, जो अपने जबड़े से शिकार करते हैं, जिनके दांत बाहर की तरफ निकले होते हैं। उनके जबड़ों का बाइट पॉट इतना ज़्यादा होता है, किंग कॉन्ग के मसल को फाड़ सकते थे। वीरेक्स ज़्यादातर ग्रुप में शिकार करते हैं, जिसके कारण उनके शिकार का बच पाना मुश्किल हो जाता है। किंग कॉन्ग मूवी में हमें 3 वीरेक्स दिखाए गए, जो कि बहुत फास्ट और फुर्तीले थे, जो 35 किलोमीटर पर हावर की रफ्तार से दौड़ सकते थे। वीरेक्स की बॉडी टीरेक्स के मुकाबले ज़्यादा ड्यूरेबल है, जिनका बॉडी पूरी तरह बुलेट प्रूफ है। किंग कॉन्ग द्वारा कई बार चट्टान से मारने और अपने हाथों से मारने पर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। इसके अलावा वीरेक्स को मूवी में इंटेलिजेंस की तरह दिखाया गया है, जो अपने साथियों के साथ मिलकर अपने दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए क्रमबद्ध तरीके से फाइट करते हैं। अगर बात करते हैं रैम्पेज की रॉल्फ की, तो रॉल्फ एक नॉर्मल उल्फ था, जो एक अन्नो गाय सूंघने के बाद बदल गए जॉइंट उल्फ में, जिसके बाद उसमें सुपर स्ट्रेंथ, सुपर ड्यूरेबिलिटी और सुपर स्पीड आ गई और वह 50 फीट बड़ा हो गया, जिसके जॉस और क्लास बहुत ही खतरनाक हो गए। रॉल्फ को बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है, जो जॉर से फाइट कर सकता है और उसे डैमेज भी कर सकता है। उसने अपने जॉ और क्लास मिलिट्री हेलीकॉप्टर और टैंक को डिस्ट्रॉय किया है। साथ ही साथ ड्यूरेबल भी है, जो गन फायर और एक्सप्लोजन सर्वाइव किया है। राल्फ जॉर्ज और लीजी से ज़्यादा फास्ट है। वह अपने जंप से हेलीकॉप्टर को पकड़ सकता है, उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। वह इन दोनों मॉन्स्टर से तेज दौड़ सकता है। इसके अलावा राल्फ के पास 2 अमेजिंग एबिलिटीज भी है। पहला कि वह स्क्वायरल की तरह कुछ देर के लिए उड़ सकता है। दूसरा कि उसकी बॉडी में नुकीले पोर्के पैर निकले हैं, जिससे वह अपने टेल से अपने दुश्मन पर शूट कर सकता है, जिसकी मदद से उसने हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वीरेक्स और रॉल्फ दोनों ही इविल मॉन्स्टर है, जो अपने दुश्मन पर भारी पड़ चुके हैं। वीरेक्स ने किंग कॉन्ग से फाइट किया था, जो 25 फीट बड़ा था, फिर भी तीनों वीरेक्स मारे गए। वहीं रॉल्फ ने जॉर्ज से फाइट किया था, जो 40 फीट बड़ा था और रॉल्फ जॉर्ज पर भारी पड़ रहा था। और मैंने इसके पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि जॉर्ज ज़्यादा शक्तिशाली है किंग कॉन्ग से,
यानी कि रॉल्फ का ओपोनेंट ज़्यादा शक्तिशाली है और रॉल्फ जॉर्ज पर भारी पड़ चुका है, यानी कि वह तीनों वी रेक्स को मार सकता है क्योंकि वह बहुत बड़ा है। वी रेक्स 20 फीट तक बड़े होते हैं और रॉल्फ 50 फीट बड़ा है, तो उसके पास साइज का एडवांटेज है। साथ ही साथ उसके पास नुकीले पोर्केपाइन है जिससे वह वी रेक्स को मार सकता है, और दूसरा कि उसका जबड़ा बहुत ही खतरनाक है जिसे इन वी रेक्स को पूरी तरह घायल कर सकता है और मार भी सकता है। तो ये तो था मेरा ओपिनियन, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और लास्ट में अगर आपके वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।